बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लिमिट स्टार एकेडमी। माई सेल्फ मोहम्मद वकास, एमएससी ऑनर एग्रीकल्चर सॉइल साइंसेस, और करंटली मैं एज ए एमसीओ मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर के तौर पर वर्क कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली जो पीपीएससी ने एग्रीकल्चर ऑफिसर की 40 सीट्स जो अनाउंस की हैं, उनके रेलिवेंट जो एमसीक्यूज़ हैं, जो पास पेपर्स हैं, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ से पीपीएससी का अक्सर पेपर आता है, और बेसिक एग्रीकल्चर की जो बुक है उसके रेलिवेंट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज़ हैं उनको गो थ्रू करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आपको इन सारी स्लाइड्स की अगर आपको ज़रूरत हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करके ये स्लाइड्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो पेपर 17 जनवरी 2022 को हेल्ड हुआ है उनके रेलिवेंट जो एमसीक्यूज़ हैं उसको गो थ्रू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सब ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी लाजमी प्रेस करें ताकि जितने भी नए आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्यू सेलर्स आर कार्ट, ऐसी मार्केट जिसमें सप्लायर की तादाद कम हो और बायर्स की तादाद ज़्यादा हो, तो ऐसी मार्केट को ओलिगोपोली मार्केट कहा जाता है। वेयर इज लाल सोहनारा पार्क, लाल सोहनारा नेशनल पार्क ये पंजाब के सूबे ज़िला बहावलपुर में वाक़ है और ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। All forms of germs are killed by, ऐसा प्रोसेस जिसमें तमाम किस्म के जरासीम को किल किया जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को स्टीरिलाइजेशन कहा जाता है। All goods and services are called as, तो इसका राइट ऑप्शन है GNP। GNP और GDP में क्या डिफरेंस होता है इसको हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। When exports exceeds its import are called as, जब बरामदाद की जो वैल्यू है वो दरामदाद की वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। ब्लाइट इज अ डिजीज ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन है पोटैटो। अ मेजर ऑफ एवरेज आउटपुट पर यूनिट इनपुट इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है प्रोडक्टिविटी। पाकिस्तान में इस वक्त जो जंगलात का जो टोटल रकबा है वो 4.8 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि अगर हम रकबा किलोमीटर की अगर हम बात करें, स्क्वायर किलोमीटर की अगर हम बात करें, तो स्क्वायर किलोमीटर में इसका जो टोटल एरिया है वो 37,259 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम एकड़ की बात करें तो एकड़ में 16,87,000 एकड़ है। ब्राइस कैनन पार्क इज लोकेटेड इन, तो इसका राइट ऑप्शन है यूटा USA। ही इज पुअर येट इज ऑनेस्ट, तो इसके साथ जो प्रेपोजिशन हम यूज़ करेंगे वो येट यूज़ करेंगे। वट इज डिटर्मिनेट, तो इसका राइट ऑप्शन है बीच। फर्स्ट स्टेप इन एक्सटेंशन इज, तो इसका राइट ऑप्शन है अटेंशन। उसके बाद सेकेंड जो स्टेप है वो इंटरेस्ट है। थर्ड वन इज डिज़ायर, एंड फोर्थ वन इज कन्विक्शन, एंड फिफ्थ वन इज एक्शन, एंड सिक्स वन इज सेटिस्फैक्शन। हाउ वुड वेव्स ट्रेवल्स, तो इसका राइट ऑप्शन है बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ही राइट्स डैश इन, तो इसके साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है वो इन यूज़ की जाती है। द वर्ड जेरंड इज, तो इसका राइट ऑप्शन है वर्बल नाउन। बिफोर 1940 पेस्टिसाइड डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन पेस्टिसाइड्स। 1940 से पहले पेस्टिसाइड्स डेरिवेटिव्स को फर्स्ट जनरेशन पेस्टिसाइड कहा जाता था, जबकि 1940 के बाद पेस्टिसाइड्स डेरिवेटिव्स को सेकेंड जनरेशन पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है स्टैमन एंड फिलामेंट। स्टेमन जो है ये फ्लोवर का मेल पार्ट कहलाता है जो कि एंथर और फिलामेंट से मिलके बना हुआ होता है, जबकि फीमेल पार्ट्स की अगर हम बात करें तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल को हम फीमेल पार्ट का नाम देते हैं, और ये कलेक्टिवली ये मिलके पिस्टल बनाते हैं, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा स्टेमन एंड पिस्टल।
बरोमोक्सिनल बिलोंग्स टू, तो बरोमोक्सिनल जो है ये नाइट्राइल ग्रुप से बिलोंग करती है। डेड हार्ट इन शुगर केन इज ड्यू टू, तो इसका राइट ऑप्शन है डायट्रिया। और ये जो डायट्रिया की अगर हम बात करें तो ये मौत की जीनस है, जबकि इसकी जो फैमिली है वो क्रेमिडा है। वाइट फ्लावर्स टर्न्स इनटू पिंक इज ड्यू टू, तो इसका राइट ऑप्शन है टेम्परेचर। विच आर द इमोबाइल एलिमेंट्स, तो अगर हम मोबाइल और इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाशियम इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स का नाम भी दिया जाता है। और इसके अलावा क्लोराइड और मोलिब्डेनम ये मोबाइल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अगर हम इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें सल्फर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर और निकल ये इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। विच रेफ्रिजरेंट गैस इज कॉमनली यूज इन कोल्ड स्टोरेज इन आवर कंट्री, तो इसका राइट ऑप्शन है अमोनिया। और इसको -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जाता है। इरिवर्सिबल चेंज इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है ग्रोथ। फर्मेंटेशन ब्रेड इज कॉल्ड, तो इसका राइट ऑप्शन है सॉल्ट। सैनिटेशन इन प्लांट इज यूज फॉर, तो इसका राइट ऑप्शन है प्रोटेक्शन। सैनिटेशन का मेन मकसद भी यही होता है कि प्लांट को पैथोजेंस के स्प्रेड करने से बचाना होता है, जिसके लिए हमारी जिसके लिए जो मेन हमारे सबसे पहले तो ये होता है कि इसमें हमारे जो टूल्स हैं वो कंटेमिनेटेड नहीं होने चाहिए, और जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो भी कंटेमिनेट्स नहीं होने चाहिए, और जो हमारे हैंड्स हैं वो बेसिकली वो वॉश्ड आउट होने चाहिए जब हम प्लांट्स की सैनिटेशन कर रहे होते हैं। सिट्रस कैंकर इज कास्ड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन है बैक्टीरियम। और ये बैक्टीरियम ज़ैंथोमोनास सिट्रस स्पीसी की वजह से ये क्रिएट होता है। एंजाइम एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो टेम्परेचर, पीएच और एज वेल एज कंसंट्रेशन की वजह से भी अफेक्ट होती है। BIOS इज एन एब्रीवेशन फॉर, तो BIOS जो है ये बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम की एब्रीवेशन है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP इज, तो एग्रीकल्चर GDP में एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो तब 19% था और अब ये इंक्रीज होकर 24% तक चला गया है। वाटर विच इज अवेलेबल फॉर रूट्स इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है कैपिलरी वाटर। द रेशियो ऑफ कॉटन सीड टू लिंट इज, तो इसका राइट ऑप्शन है 2:1। वट आर पेरिशेबल फूड्स, पेरिशेबल फूड्स ऐसी फूड्स होती हैं जिसको फ्रेशली रेफ्रिजरेटर किया हो, या फिर ये ऐसी फूड्स होती हैं जो कि स्टोर करने से पहले ही स्पाइल कर जाएं, तो ऐसी फूड्स को पेरिशेबल फूड्स का नाम दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फूड्स दैट विल स्पाइल वेरी क्विकली विद आउट द राइट स्टोरेज। इंसेक्ट्स विच आर एक्टिव एट नाइट आर कॉल्ड एज, ऐसे इंसेक्ट्स जो रात के वक्त एक्टिव हों, तो ऐसे इंसेक्ट्स को नॉक्टर्नल का नाम दिया जाता है। और ऐसे इंसेक्ट्स जो दिन के वक्त एक्टिव हों, तो ऐसे इंसेक्ट्स को डायर्नल का नाम दिया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है विटीकल्चर। सीड डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू, तो सीड की जो डिजीज है ये फॉलोइंग एजेंट से ये ट्रांसमिट होती है, कॉमनली एडिड, ह्यूमन कैरियर और हाइजीन से ये क्रिएट होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। लोकस्ट बिलोंग्स टू, तो इसका राइट ऑप्शन होगा इंसेक्ट्स। विच इज डिजीज ऑफ वीट, तो इसका राइट ऑप्शन है लोसमट, ब्राउन रस्ट एंड ब्लैक रस्ट। तो ये सारी जो है ये वीट की डिजीज हैं। वट इज़ द प्राइस ऑफ वीट इन पाकिस्तान इन पंजाब, तो 2022 में जो पंजाब में जो वीट की प्राइस थी वो 1950 थी, लेकिन अब अगर हम ओवरऑल प्राइस की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो प्राइस है वो 4300 तक ये पहुँच चुकी है। द कलर ऑफ रजिस्टर्ड सीड इज, तो इसका राइट ऑप्शन है पर्पल, जबकि फाउंडेशन सीड्स के ऊपर जो टैग लगाया जाता है वो वाइट कलर का लगाया जाता है, और रजिस्टर्ड सीड्स के ऊपर जो टैग होता है वो पर्पल कलर का होता है।
अगर हम सर्टिफाइड सीट की अगर हम बात करें तो सर्टिफाइड सीट्स के ऊपर ब्लू कलर का टैग होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिनरल्स, तो इसका राइट ऑप्शन है कैलोनाइट। वी सीड्स रिक्वायर्ड लाइट फॉर जर्मिनेशन, तो इसका राइट ऑप्शन है ल्यूटिस। विच हार्मोन इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, तो एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिन जो हार्मोन्स हैं वो सीड की जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हु इज द लास्ट रूलर ऑफ हैदराबाद, तो हैदराबाद के जो लास्ट रूलर थे वो मीर उस्मान अली खान थे, जबकि जो फर्स्ट रूलर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रूलर कमरुद्दीन खान थे। पर्सन हु इन्फ्लुएंस्ड इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है ओपिनियन लीडर। फाइन राइस नॉट सोन बिफोर, तो इसका राइट ऑप्शन है 20th of May। आर्मी एमरजेंसी इज इन, तो इसका राइट ऑप्शन है म्यांमार। लूज मड इज द डिजीज ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन है वीट एंड बार्ली। इन कॉटन पिंक फ्लावर्स इंडिकेट्स द इन्फेस्टेशन ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन है पिंक बॉलवर्म। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीन्स, तो इसका राइट ऑप्शन है टू डिफरेंट स्पीसीज। अमेंडमेंट्स पास बाय द मेजोरिटी ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन है 2/3। ब्रीडर सीड इज द प्रोजनी ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन है न्यूक्लियस सीड। फॉर वीट कंट्रोल वी यूज, तो वीट को कंट्रोल करने के लिए हम मोस्टली जो है वो वीडिसाइड्स यूज करते हैं। फॉर इलिटरेट फार्मर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज प्रेफर्ड फॉर डाटा कलेक्शन, जब भी आपका वास्ता एक इलिटरेट फार्मर के पास पड़ता है तो सबसे पहले आपको उसका इंटरव्यू करना चाहिए। जैसे ही आप उसका इंटरव्यू करेंगे तो वो तमाम की तमाम जो मालूमात है वो आपसे शेयर करेगा। तो सबसे पहले तो आप अगर उसका इंटरव्यू करेंगे तो डेफिनेटली उससे फार्मर्स के बारे में आपको बहुत सारा जो डाटा है वो आपको मिल सकता है। द कम्युनिकेशन विच अकर्स बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड नॉन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज, तो ऐसी कम्युनिकेशन यानी कि इंसानों और जानवरों के दरमियान जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है इसको एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। एन एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ प्लांट सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम आउटसाइड स्टिमुलस दैट इज इंसेक्ट्स फंगल ग्रोथ और माइट इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है गॉल। अगर प्लांट के टिश्यूज़ की एबनॉर्मल ग्रोथ बैक्टीरिया फंजाई या इंसेक्ट्स की वजह से हो रही हो तो ऐसे प्रोसेस को गाल कहा जाता है। द यंग ऑफ होलो मेटाबोला इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है लार्वा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नाउन एज ओपिनियन लीडर, तो इसका राइट ऑप्शन है अर्ली अडॉप्टर्स। विच कैन बी सेंट वाया ई मेल एज एन अटैचमेंट, तो ईमेल की मदद से हम वर्ड का डॉक्यूमेंट ऑडियो और वीडियो सब कुछ सेंड कर सकते हैं। विच इज़ नॉट अ कंप्यूटर सर्वर प्रोटोकॉल, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है। इनमें से तमाम के तमाम जो है वो कंप्यूटर सर्वर्स प्रोटोकॉल्स हैं, लाइक HTTP जो एब्रीवेशन है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की एब्रीवेशन है, DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और DNS जो है वो डोमेन नेम सिस्टम्स की एब्रीवेशन है, और ये सारे के सारे ये कंप्यूटर सर्विस प्रोटोकॉल कहलाते हैं। अ वर्क इज कंप्लीटेड बाय 10 पीपल इन 14 डेज, 4 persons कंप्लीट वर्क इन हाउ मैनी डेज। अगर मैथ का इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें बेसिकली तीन चीज़ें दी गई हों, जैसे कि अगर एक काम को 10 आदमी 14 दिनों में करते हैं तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो इसके लिए सिंपल एक ट्रिक माइंड में ये याद रख लें कि जो पहली दो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके तीसरी पे डिवाइड कर देना है। तो 14 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 140, तो उसको जब हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 35 आएगा। सपोज करें कि अगर क्वेश्चन इस तरह से होता कि अगर एक काम को 20 आदमी 28 दिनों में करते हैं तो 8 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो फिर भी हमने क्या करना था कि 20 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करना था और फिर हमने उसको 8 के साथ डिवाइड करना था, तो तब भी हमारा आंसर 35 ही आना था। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हमने तीसरी टर्म्स के साथ डिवाइड कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा यज्ञशु दोषु। इसका मतलब होता है एक बला के साथ दूसरी का भी आ जाना। ग्रैम ब्लाइट इज कॉमन डिजीज, तो इसका राइट ऑप्शन है ह्यूमर ड्रिजन। बेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक फॉर मैंगो एंथ्रागनोज इज, तो इसका राइट ऑप्शन है प्रोनिक।
आम के उस हिस्से को रिमूव करना जहाँ पर डिजीज का अटैक हो या वो हिस्सा जो कि डेड हो चुका हो, तो उसके रिमूव करने के प्रोसेस को प्रोनिंग कहा जाता है। सिंपली प्रोनिंग की डेफिनेशन हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि रिमूवल ऑफ डिजीज अ डेड पार्ट ऑफ द प्लांट। मोस्ट कॉमनली यूज मीडिया फॉर द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज, तो इसका राइट ऑप्शन है अगर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए सबसे ज़्यादा जो कॉमन मीडिया वो इस्तेमाल किया जाता है उसको अगर कहा जाता है। एबनॉर्मल प्रोलीफरेशन ऑफ स्टेम ड्यू टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है गॉल परमिशन। बैक्टीरिया दैट गेट फूड्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर आर नाउन एज, ऐसे बैक्टीरिया जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक हासिल करते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया को सेप्रोफाइट्स बैक्टीरिया कहा जाता है। द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज फ्लोरिकल्चर, वाइल द स्टडी ऑफ वेजिटेबल इज कॉल्ड एज द ओलेरिकल्चर। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। द रिमूवल ऑफ अपर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है हेडिंग बैक। एवर ग्रीन प्लांटेड जो है उनको ऑटम सीजन में प्लांट किया जाता है। द प्लांट्स विच हैव एक्सट्रीम वाटर स्टेम एंड वाटर एंड लीव्स आर कॉल्ड एज, तो ऐसे प्लांट्स को सकुलेंट प्लांट्स कहा जाता है। यानी कि सकुलेंट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स, ऐसे स्टेम्स और ऐसे लीव्स होते हैं जिसमें वाटर की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है, तो ऐसे प्लांट्स को सकुलेंट्स प्लांट्स कहा जाता है। द फीनोटाइपिक सुपीरियरिटी ऑफ क्रॉप्स इज बेस्ड ऑन, तो इसका राइट ऑप्शन है मास सिलेक्शन। विच इज द एजेंसी ऑफ पाकिस्तान हु सेंड सैटेलाइट्स टू स्पेस, तो इसका राइट ऑप्शन है स्पार्क। री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है रीजनरेशन। द सीट ऑफ साइरस इज ईटन बाय, शीरी का जो बीज है वो हमेशा जो गिलहरी है वो खाती है। विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन, तो रेडियो टीवी एंड न्यूज़पेपर ये सभी जो हैं वो मास मीडिया कम्युनिकेशंस की एग्जाम्पल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटी एट फील्ड लेवल, तो इसका राइट ऑप्शन है फार्म मैनेजमेंट। लीगली इस्टेब्लिश्ड मैक्सिमम प्राइस ऑफ गुड और सर्विस इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एक ऐसा हाईएस्ट पॉइंट होता है जिसमें गुड्स और सर्विसेज को बेचा जाता है, तो ऐसी प्राइस को सेलिंग प्राइस कहा जाता है। व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस द प्राइसेस, तो इसका राइट ऑप्शन है इंक्रीजेस। विच आर अमंग द ओल्डेस्ट फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक, तो इसका राइट ऑप्शन है ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। लीमू का जूस और अचार जो है ये हाई एसिडिक ये फूड्स हैं। केमिकली और बायोलॉजिकली जो एंजाइम्स होती हैं ये प्राइमरली प्रोटीनी नेचर होती हैं। सोया सॉस इज फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन है सोयाबीन। सिट्रस एंड टमाटोज आर रिच इन विटामिन, तो सिट्रस और टमाटो में जो विटामिन जो होता है वो विटामिन सी होता है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। स्वेलिंग ऑफ अडर इन काउ इज कॉमन सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज, तो इसका राइट ऑप्शन है मिस्टाइटिस। द हेड ऑफिशियल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है वो रोम में है, इटली रोम में है, और FAO की जो बुनियाद रखी गई थी ये 16 अक्टूबर 1945 को रखी गई थी और करंटली इसके साथ 195 मेंबर्स एसोसिएटेड हैं। मैन बोर्न फ्री बट फाउंड इन चेन इज फेमस कॉइड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन है रोस। व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, जब एक्सपोर्ट जो है वो इम्पोर्ट से ज़्यादा हो जाए तो उसको ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। ही इज पुअर बट इज ऑनेस्ट, तो इसके साथ जो हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो बट यूज करेंगे। विच इज यूज इन रेफ्रिजरेटर आर इन अदर कोल्ड स्टोरेज, तो इसका राइट ऑप्शन है अमोनिया। द ट्रिटी ऑफ बर्सेल्स एंडेड इन, तो ट्रिटी ऑफ बर्सेल्स जो है ये पेरिस फ्रांस में मुनक्कद हुई और इसका जो इख्तिताम है वो वर्ल्ड वार वन में हुआ। श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद बस सर्विस वाज स्टार्टेड इन, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद बस सर्विस जो है वो 2005 में शुरू हुई। रजिया सुल्ताना वाज डॉक्टर ओ, तो इसका राइट ऑप्शन है अल्तमश।
मकाओ पिकाओ सिटी ऑफ पीरू वाज डिस्कवर्ड इन, तो इसका राइट ऑप्शन है 1911। आबे हयात के जो मुसन्निफ हैं वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। शेख अली बजूती, काजम जनूबी, तूरे माना किस नावल के किरदार हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है फरदोसे बरी के। हरूफ तहजी के लिहाज से लुगत में सबसे पहला लफ्ज कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन है 4। अजदहाम की जो सही इमला है वो अजदहाम है। एंड थैंक यू वेरी मच।